कल्चर जो अभी हम जीते ऐसा बोलते हैं कि तुम जीव लो तुम उसमें लिप्त ना हो, तो इसका डेली लाइफ में अगर जिसको लिप्त होना है उसे पूर्णतया लिप्त होने दो। देखो तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है समझना, अभी तुम अभी अभिमानी हाथ के ही हो, देह के ही हो, तादात्म्य इन्हीं से है, आइडेंटिफाइड इन्हीं से हो, लेकिन तुमने ग्रंथों इत्यादि में पढ़ लिया है कि लिप्त नहीं होना है। अब ये जो मैं है ये अभी किसका अभिमानी है, किससे जुड़ा हुआ है? हाथ से। तो मैं बराबर हाथ, हाथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी पढ़ाए हो कि लिप्त नहीं होना है, तो जब कहते हो कि मुझे लिप्त नहीं होना है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? हाथ को लिप्त नहीं होना है। जब हाथ को लिप्त नहीं होना है तो तुम आलसी हो जाते हो, तुम कुछ करोगे ही नहीं हाथ से। ये गड़बड़ हो रही है। जिसे लिप्त होना है उसे तो पूर्णतया लिप्त होने दो। अभी समुद्र में जाओगे, देह को लिप्त होने दो। बात यह नहीं है कि तुम्हें लिप्त नहीं होना है, बात यह है कि तुम्हें लिप्त होने वाले से अपने आप को जोड़ नहीं देना है। प्रकृति में तो निर्लिप्तता ही निर्लिप्तता है, लिप्तता ही लिप्तता है। तुम्हें निर्लेप रहना है। प्रकृति में तो जो कुछ है वो लिप्त ही लिप्त है। लिप्त का अर्थ समझते हो? जिस पर कुछ लेपित हो, जिस पर कुछ रख दिया हो। यहां तो हर चीज पर कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। मिट्टी पर घास का लेप ही तो है, समुद्र तल पर पानी का लेप है, और पानी पर झाग का लेप है। प्रकृति में तो तहे ही तहे हैं, तो वहां तो सब कुछ ही लिप्त है, एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। प्रकृति के तल पर निर्लिप्तता का कोई अर्थ नहीं है, वो बेकार की बात है, उस चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो जीवन व्यर्थ करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम आध्यात्मिक हो रहे हो। या अध्यात्म की बात नहीं है कि मैं अपना हाथ लिप्त नहीं करूंगा, कि बुद्धि को लिप्त नहीं करूंगा। बुद्धि को लिप्त होना चाहिए, देह को लिप्त होना चाहिए। तुम देह नहीं हो इसलिए तुम्हें लिप्त नहीं होना चाहिए। अब तुम बने तो रहो देह, फिर कहो मुझे लिप्त नहीं होना है तो इस कारण मैं देह को लिप्त नहीं करूंगा, तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि तुम यहां समुद्र तट पर शेरवानी पहन के घूम रहे होगे कि साहब हमें तो लिप्त होना नहीं है। अरे भाई तुम्हें नहीं लिप्त होना, देह को तो होना है ना, देह को होने दो। जीने का मजा तब है जब तुम रहो समुंदर के ठीक भीतर और गीले तब भी ना हो। देह तो भीगेगी, तुम नहीं भीगे, तब आया मजा। देह गीली हो गई, देह सूख भी गई, हम ना गीले हुए थे ना हम सूखे। और यहां उल्टा चल जाता है, भारत की बड़ी विडंबना रही है। मैं यहाँ पर अमेरिकनों को और यूरोपियंस को देखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ता है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को, बल को, अपनी अनुकंपा को कैसे अपने लिए व्यर्थ कर लिया, कैसे अपने लिए बर्बाद कर लिया। ग्रंथ ऊंची से ऊंची बात कह गए, लेकिन उस बात को समझने के लिए भी या तो पात्रता चाहिए या उचित माध्यम, दो ही तरीके हो सकते हैं। तुम्हारे सामने कोई किताब है, जाहिर सी बात है उसको पढ़ने के दो ही तरीके हैं, कि या तो तुम खुद इस स्तर पे हो कि उसको समझ सको कि कृष्ण और अर्जुन की बात चल रही है, अर्जुन का भी एक स्तर है, उसमें श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, उसमें अनुराग है, आस्था है, तो कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं अर्जुन समझ गया। या तो तुम में अर्जुन जैसी बुद्धि हो और भक्ति हो तब ग्रंथ तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे,
या फिर तुम्हारे पास कोई मध्यस्थ हो जो हाथ पकड़ के तुम्हें पार करा दे, जो समझा समझा के तुम्हें ग्रंथ में पारंगत कर दे, अर्थात कोई गुरु हो, जीवित गुरु सामने। आम तौर पर हमारे पास दोनों ही नहीं होते, ना तो हम अर्जुन होते हैं और न ही हम किसी योग्य गुरु के शिष्य होते हैं। अगर अर्जुन होते तो किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, फिर तो कृष्ण से साक्षात ही समझ लेते। और अगर अर्जुन नहीं हो तो तुम्हें कोई चाहिए जो गीता तुम तक ला सके। गीता वो कागज थोड़े ही है जिस पर गीता के शब्द छपे हैं, गीता तो कुछ और है ना, वो लाने वाला चाहिए। और अगर दोनों ही नहीं है तुम्हारे पास, ना अर्जुन जैसी बुद्धि और भक्ति और सौभाग्य, या फिर किसी जीवित मित्र का, साथी का, गुरु का सानिध्य, तो नतीजा यही निकलेगा कि तुम कुछ का कुछ अर्थ करोगे। तुम समुद्र में जाओगे ही नहीं, तुम कहोगे ग्रंथों ने सिखाई है निर्लिप्तता, अरे ये सब मोह माया है, इसका परित्याग करना है। तन मिट्टी और जीवन नश्वर है। पकौड़े लाना भाई। मैं समझा के बोल रहा हूं, तन मिट्टी और जीवन नश्वर है। हरी चटनी नहीं लाए ना भाई तुम? तो ऐसा रहता है हमारा अध्यात्म। और उसके बाद उनको कहा गया दौड़ो, कह रहे दौड़ने में क्या होगा, देह फानी है। अब दौड़ वो इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि तोन तूफानी है। और बता क्या रहे हैं, देह फानी है इसलिए नहीं दौड़ेंगे। इसीलिए आप अधिकांश तथाकथित आध्यात्मिक लोगों को बड़ा रसहीन, तेजहीन, पौरुषहीन पाओगे। उनके चेहरे पर कृष्ण की भगवत्ता तो छोड़ो, अर्जुन की कांति भी नहीं होती। ये विचित्र अध्यात्म है जो आपको सुखा देता है, ये विचित्र अध्यात्म है जो आपको बिल्कुल ओजहीन कर देता है। किसको ओजहीन देखा है, बुद्ध को, जीसस को, राम को, कृष्ण को, कबीर को, नानक को? ये सब जीवन से ओतप्रोत थे। ये जीवन के सर्वश्रेष्ठ फूल थे। और फिर देखो, ज्यादातर उन लोगों को जो अपने आप को ज्ञानी या भक्त या आध्यात्मिक कहते हैं, वहां दिखता है कहीं आत्मिक ऐश्वर्य, विभुता, वहां बस खोखले मुहावरे हैं, रटे रटाए श्लोक हैं, घिसी हुई उक्तियां हैं। भरम सब दूर।